हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केकेआर के ओपनिंग बैट्समैन रॉबिन उथप्पा के बारे में। अब यहां पर न्यूज़ आ रही है कि रॉबिन उथप्पा आरसीबी में ट्रेड हो सकते हैं, रॉबिन उथप्पा खुश नहीं है अपनी टीम से। तो क्या ये बातें सच हैं, आखिर कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को आप दबा सकते हैं, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रॉबिन उथप्पा के साथ कि आखिर उनके साथ सीन क्या चल रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ पर केकेआर को लीड करते थे पहले गौतम गंभीर, और ऐसे में गौतम गंभीर के जाने के बाद से यहाँ पर सभी लोग सोच रहे थे कि जो कैप्टन बनाया जाएगा केकेआर का वो शायद रॉबिन उथप्पा को बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम पर गौतम गंभीर के साथ यहाँ पर ओपनिंग करते थे रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने काफ़ी मैचेस भी जिताए थे कोलकाता को। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग डिसीजन आया था, जिसमें कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर केकेआर ने नया कैप्टन डिक्लेयर कर दिया दिनेश कार्तिक को। अब यहाँ पर उसी टाइम से ही यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो आने लगी थी कि उथप्पा और दिनेश कार्तिक के बीच कुछ ज़्यादा चीज़ें सही चल नहीं रही हैं और रॉबिन उथप्पा यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से खेल नहीं पा रहे उनकी कैप्टनसी के अंडर। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि कोलकाता की टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई लास्ट के सीजन्स में, और उसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर आने लग गया दिनेश कार्तिक के ऊपर कि क्या वो अच्छे कैप्टन नहीं है या फिर क्या यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा टीम का बैलेंस बन नहीं पा रहा। और न्यूज़ तो यहाँ तक भी थी कि आंद्रे रसेल भी ज़्यादा पसंद नहीं करते दिनेश कार्तिक को। और ऐसे में जब रॉबिन उथप्पा ने लास्ट के सीज़न में कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल इनिंग्स खेली थी, जैसे कि आपको याद होगा आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर करीब 21 बॉल में सिर्फ 6 रन बनाए थे, ऐसी कुछ काफ़ी स्लो इनिंग्स उन्होंने खेली थी, और लास्ट सीजन में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रॉबिन उथप्पा उस दिल के साथ दोबारा से खेल रहे हैं जिससे कि उन्होंने लास्ट के कुछ सीजन में जिताया था केकेआर को। तो ऐसे में न्यूज़ उसी टाइम से आने लग गई थी कि यहाँ पर दिनेश कार्तिक भी टीम में रखना नहीं चाह रहे रॉबिन उथप्पा को, और रॉबिन उथप्पा भी खुश यहाँ पर नहीं है अपनी टीम में पोजीशन से जहाँ पर वो बैटिंग भी करते हैं। तो ऐसे में उनकी पोजीशन भी काफ़ी फ्लक्चुएट हुई थी लास्ट के सीजन में, और अब तो फाइनली इस बार जो सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है वो अभी तक कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम इन सब बातों को मिलाकर देख लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है रॉबिन उथप्पा यहाँ पर निकल जाएँ केकेआर की टीम से। और ऐसे में अगर वो केकेआर की टीम से निकलते हैं तो अब ऐसी कौन सी टीम है जो उनको ट्रेड कर सकती हैं, ऐसी टीमों में नंबर वन चांस है यहाँ पर आरसीबी का, क्योंकि हमको पता है आरसीबी के पास यहाँ पर इंडिया का कोर नहीं है बिल्कुल भी, और वो लास्ट के सीजन में इसीलिए स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के बैट्समैन और इंडिया के बॉलर्स उनके पास नहीं है। तो अगर रॉबिन उथप्पा उनको मिलते हैं तो रॉबिन उथप्पा को तो वो कहीं भी खिला सकते हैं, चाहे टॉप ऑर्डर हो या फिर मिडिल ऑर्डर हो, आरसीबी को एक बैट्समैन चाहिए चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो थोड़ा सा। तो ऐसे में यहाँ पर आरसीबी पर वो जा सकते हैं या फिर उनके पास चांसेस हैं कि वो जा सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में भी, जिनका भी मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं चल रहा, और किंग्स इलेवन पंजाब जिनका मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल ही मतलब कुछ खास चलता नहीं है ऐसा। तो ये ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पर रॉबिन उथप्पा के पास, और ये न्यूज़ अभी तक कन्फर्म तो नहीं है लेकिन लॉजिकली अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज लग रही हैं रॉबिन उथप्पा के ट्रेड होने की। अब वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, कॉमेंट करके मुझे आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि अगर रॉबिन उथप्पा ट्रेड होते हैं तो उन्हें किस टीम में होना चाहिए और क्या ट्रेड होना भी चाहिए या फिर नहीं। और इसी तरह से क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज़ और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।